पापा एक कहानी सुनाइए, पापा एक नई कहानी पापा। अच्छा ठीक है, एक राजा था। नहीं नहीं पापा, एक नई कहानी पापा। अच्छा तो एक नई रानी थी। नहीं पापा, ये बहुत पुरानी कहानी है पापा। तो मेरी कहानी सुनो बेटा। आपकी भी कहानी है पापा। कौन कहानी पापा? हाँ बेटा, दूर एक जंगल में तुम्हारे पापा थे। लेकिन आप तो यहाँ है पापा। अभी यहाँ है न बेटा, पहले वहाँ थे बेटा। ये तो क्या हुआ, लेकिन अभी तो आप यहाँ है पापा। हे तो बेटा, यहाँ कैसे हैं? वही कहानी है बेटा। हाँ तो कहानी कहिए पापा कि क्या हुआ पापा। तो कहानी में तभी अचानक सामने में एक बाघ आ गया बेटा। तब तो आप डर डर के भाग गए होंगे पापा। नहीं नहीं, मुझको डरते ही डरते मुझको बाघ निगल गया बेटा। आप तो झूठ बोल रहे हैं पापा। कैसे कैसे? आप तो यहाँ कहानी कह रहे हैं पापा। लेकिन कहानी में वो मुझे पूरा निगल गया था बेटा। आप तो झूठ कह रहे हैं पापा। आप तो झूठ कहानी सुना रहे हैं पापा। नहीं बेटा, कहानी में वो मुझे पहचान नहीं सका बेटा, और मुझे पूरा उगल दिया। कैसे उगल दिया पापा? बाघ तो सब कुछ खा जाता है पापा। लेकिन पापा को नहीं खा सका, नहीं पचा सका बेटा। क्यों क्यों पापा? निगलने के बाद मुझे याद आया कि मेरे जेब में तो बिजली का करंट है। तब क्या हुआ पापा? तब वो करंट मैंने उसके पेट में लगा दी। तब फिर पापा? बस वो उछलने कूदने लगा, अकबका कर मुझे पूरा का पूरा उगल दिया। तब तो आप बहुत बहादुर निकले पापा। आगे और भी मैं बहुत बड़ा बहादुर निकला। कैसे 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 पापा? एक दिन मैं नदी किनारे टहल रहा था। तब क्या हुआ, फिर बाघ आ गया पापा? नहीं बेटा, बाघ नहीं, एक बहुत बड़ा अजगर सामने आकर खड़ा हो गया। मैं फिर अकबका गया, लेकिन फिर भी वो मुझे निगल गया। फिर क्या हुआ पापा? फिर मैंने वही बिजली का करंट निकाल कर उसके पेट में लगा दिया। फिर क्या हुआ पापा?
फिर जब करंट उसको जोर से मारा तो मुझे पूरा का पूरा उगल दिया। तो इस बार भी करंट उसी को मारा पापा, आपको नहीं मारा पापा? नहीं बेटा। अच्छा अच्छा समझी, करंट तो आपका ही न था पापा, और आप तो बहुत बड़ा।